गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विस्ट सेवर ऑन द टेबल। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है दैट इज अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस रेसिपी व्हिच जनरली शुड बी यू नो मेड इन दिस विंटर सीजन व्हेन वी हैव लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है इट इज अबाउट मूली की भाजी। मूली की भाजी इस सीजन में, विंटर सीजन में आप सबको पता है इतनी फ्रेश एंड ग्रीन लीव्स होती हैं, इतनी अच्छी मूली आती है, तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करना चाहिए फ्रेंड्स। और आज मैं आप सबको इसकी भाजी की रेसिपी बताने वाली हूँ, माइंड ब्लोइंग टेस्टी, माउथ वाटरिंग एंड सो 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 यमी। तो फ्रेंड्स, मूली की भाजी के लिए मूली को मैंने जैसे आपको दिखाया था कि मैंने उसको वॉश करके, कटिंग करके, चॉप करके उसे मैंने अच्छे से 5-6 सीटियां लगा के कुकर में अच्छे से बॉईल कर लिया था, और बाद में मैंने उसको पानी निचोड़ के इस तरीके से इसको प्रेस करके रेडी कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मूली के और उसके पत्ती को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन चिलीज जो कि मेरा मेन इंग्रेडिएंट होती है, साथ ही में कुछ फ्रेश मैंने ली है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फ्रेश गार्लिक, एकदम ताज़ा ग्रीन, इट इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ गुड फ्लेवर इन अवर फूड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हियर देर आर चॉप्ड ऑनियंस, मैंने 4-5 चॉप्ड ऑनियंस लिए हैं, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है ताकि जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही मसाला बहुत ही शानदार बनेगा। इधर फ्रेंड्स, मैंने अगेन 4-5 बड़े टोमेटोज को चॉप किया है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ऐड अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ विटामिन सी एंड अ लॉट मेनी थिंग्स। सो विद दिस फ्रेंड्स, बहुत ही देसी स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ आज मूली की भाजी। चेक द मसाला फ्रेंड्स की कैसा बना है ये। ओह वाओ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गया है, रेडी टू बी एडेड अप विद द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज मूली एंड उसके पत्तों को बॉईल करके जो हमने रखा है दैट वी कैन ऐड नाउ। इट लुक्स सो 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 यमी।